हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, सिंह राशि फल 2022। सिंह राशि के व्यक्तित्व बहुत ही शानदार होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी राशि के प्रतीक निशान यानी कि शेर के समान होता है। दोस्तों, यही कारण है कि इन्हें भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता है। सामान्यतः आपका कद अक्सर लंबा होता है, समाज में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। आपकी शारीरिक विशेषता है कि आप चेहरे पर एक विशेष आभा होती है, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों, स्वभाव से उत्साही, निर्भय, क्रोधी, वीर, स्वतंत्र होते हैं। हृदय से आप दूसरों का भला हमेशा चाहते हैं, मगर आपका अहंकार आपको दूसरे से जोड़ने में रुकावट पैदा करता है। तो दोस्तों, जन्म से ही आप संचालन और नेतृत्व की शक्तियाँ रखते हैं, यानी कि शेर सहसा आपका दायित्व रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिंह राशि के करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष मिला जुला रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। मई के पश्चात आप कार्य क्षेत्र में संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। सप्तम भाव में गुरु की स्थिति के कारण आप अपने काम और पेशे में काफी प्रगति करेंगे। यदि आप साझेदारी में किसी का काम से जुड़े हैं तो आय के नए स्रोत होने मिलने की प्रबल संभावना के संकेत मिलते हैं। यानी कि पार्टनरशिप में आप कुछ धंधा चालू करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। आपको वांछित लाभ प्राप्त होगा और अपने व्यवसाय में संतुष्ट रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, उन्हें कार्यस्थल पर अधिक मान सम्मान मिलेगा, यानी कि आपका प्रमोशन हो सकता है। साथ ही साल के उत्तरार्ध में थोड़ा प्रतिकूल परिणाम मिलने की आशंका है। इस अवधि के दौरान आपके शत्रु आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावधान अवश्य रहें। लेकिन छठे भाव पर शनि के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपके काम और पेशे पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आप शनिवार को शनि मंदिर अवश्य जाइए, इस शत्रु पीड़ा से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिंह राशि का पारिवारिक सुख। सिंह जातकों के लिए परिवार में इस वर्ष सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस साल सिंह जातकों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा, यानी कि अपने माता पिता का अवश्य ख्याल रखें। विवाहित सिंह राशि के जातकों को दूसरे संतान की खुशी मिल सकती है। इसके अलावा विवाह के लिहाज से भी सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने विरोधियों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, वह आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिंह राशि की आर्थिक स्थिति क्या है। यह साल आर्थिक मामले में मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा, लेकिन इस साल आपसे खर्चे अधिक रहने की आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस साल आपको अपनी आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। जून से अक्टूबर के दौरान आपके पास पैसे का अच्छा स्रोत होगा और आप अच्छा धन अर्जित करने में सफल हो जाओगे। अप्रैल के बाद की समस्या अवधि बेहद ही शुभ रहने वाली है। ये इंगित करता है कि आप अवधि के दौरान पेशेवर रूप से या दोस्तों, जीवन साथी से या पेशेवर भागीदारों के माध्यम से धन अर्जित करने में कामयाब रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा है या चालू करना चाहते हैं तो अवश्य चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्टूडेंट के बारे में। पढ़ाई के क्षेत्र में इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको पढ़ाई में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का पढ़ाई में मन कम लगेगा, किसी कारण में आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल के पश्चात का विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, पढ़ाई अवश्य जारी रखें, यानी कि दिक्कतें आने वाली है, पर मेहनत से आपके काम बन सकते हैं। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को वांछित संस्थानों में दाखिला मिल सकता है। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें साल के आखिरी भाग में यानी कि सितंबर से दिसंबर तक इस संदर्भ में शुभ समाचार हासिल हो सकता है, यानी कि 6 महीने के बाद आपका अवधि अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, विशेष प्रयत्न अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह है सिंह राशि का
2022। तो दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।